यार मैं ना अपने सीनियर से मिलने जा रहा था और उतने में मैं ही ऑटो में आ रहा था, इसके ऑटो में। तो भाई से ऐसी बात हो रहा था, बात होते होते इसने मुझे बताया कि मैं रैप भी लिखता हूँ। तो मैंने बोला यार एक रैप सुना दो, अगर इसका रैप सुनो तुमको तब पता चलेगा कि इस देश में ना भाई टैलेंट की कोई कमी नहीं है। और कभी भी तुम किसी के साथ बैठे हो, क्या बैठे हो, तुम्हें नहीं पता है कि वो इंसान कितना टैलेंटेड है, तो ये सबसे बड़ा सीख है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। और अगर तुम लोगों को अच्छा लगे तो वायरल कर देना यार। बेटा ऐसी आंधी कि ना किसी को टिकने दूँ, कलम भी मेरी ऐसी है कि ना किसी को लिखने दूँ। मेरी जो रफ्तार है रफ्तार का मैं फैन हूँ, भाई के ही रैप सुन के अपने दिल को चैन। रैप करूँ रफ्तार का मैं बच्चा भोलेनाथ का, जीवन में अपने मस्त हूँ ना डर किसी के बाद। लिखता हूँ सीखता हूँ गिरता संभलता, लोगों में बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। मैं लिखता हूँ सीखता हूँ गिरता संभलता, लोगों में बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। आंधी हूँ बेटा मैं आंधी हूँ, नोट पे दिखता वो गांधी हूँ। आंधी हूँ बेटा मैं आंधी हूँ, नोट पे दिखता वो गांधी हूँ। मुंबई बहत्तर रहने को बंटा है बच्ची कहने को, खाड़ी की गलियों में घूम के देख ले बच्चे में धुएं सूंघने को। बुमरा कलब में कटता है पॉकेट साइन, और दादर के लड़के रॉकेट 72 में आके देख ले हर एक इलाके में मुन्ना सर किस्तम जा क्या। यार इसमें ना तुम लोग ऐसा करना, सारे अपने स्टोरी में डालो और रफ्तार भाई को टैग कर दो, उन्हें भी पता होना चाहिए कि रफ्तार भाई का फैन है यार ये। सच में रफ्तार भाई का बहुत बहुत बड़ा फैन है और ये तब से उन्हीं के गुण गायन गाया जा रहा है। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब आप लोगों से बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप अपने आप को सोच सकते हो कि आप में बहुत टैलेंट है, बट लोगों से मिलोगे बात करोगे और उनका टैलेंट देखोगे तो पता चलेगा कि बहुत कुछ सीखना जिंदगी में बाकी है। थैंक यू यार मेरे दोस्त भाई।